हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो आज पहला दिन है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम घर पे किस तरीके से पूजा करते हैं, हाउ वी प्रिपेयर ठेकुआ। अगर आपको भी ठेकुआ खाना बहुत पसंद है देन ये पार्ट आप बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रेसिपी शेयर कर दूंगी। सो अगर आपको भी खाना पसंद है तो आप घर पे भी आप बना सकते हो। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करना। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ बास्केट्स वगैरह लेने के लिए आए थे पूजा के लिए। पूजा के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है। ये यहाँ पे अभी खीर बन रही है। आज पहले दिन जो पूजा होता है इसमें खीर, रोटी और फ्रूट जो है उसे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे अभी मम्मी यहाँ पे खीर बना रही है। आज जो पूजा हो रहा है वो बड़ी माँ के घर पे हो रहा है। प्रसाद जो है वो बनके रेडी हो गया है। अब बड़ी माँ यहाँ पे पूजा कर रही है। तो अब ठेकुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में यहाँ पे पूरा पैकेट आटा हमने डाल दिया है। यहाँ पे सबसे पहले छोटी इलायची ये डाल रहे हैं। इलायची के बाद हम यहाँ पे सौंफ डाल रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बादाम डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बादाम के बाद यहाँ हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो बादाम और ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। उसके बाद जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे उसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी डालने के बाद यहाँ पे नारियल डालेंगे। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना होगा। के बाद हमें इसे पानी डाल के हमें थोड़ा थोड़ा आटा गूंदना होगा। इसे हमें ज्यादा नहीं गुनना है, ये आप टेक्सचर देख के आपको समझ में आ जाएगा। जब
जब तक आपका आटा इस तरीके से बाइंड ना हो जाए आपको तब तक इसे गूंदना है। उसके बाद हम इस तरीके से इसे शेप देंगे। उसके बाद हमें इस पे रख के इसे शेप देना होगा। इस तरीके का शेप आपको ठेकुआ में मिल जाएगा। आप ये चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, आप इसे सिंपली प्रेस करके भी आप रख सकते हो। एंड यहाँ पे हमने थोड़े बहुत कर लिए हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम ठेकुआ को डाल देंगे और उसे डीप फ्राई करेंगे। जब इस तरीके का कलर आ जाए तो आप उसे कढ़ाई से निकाल दें। यहाँ अब आप देख सकते हो कि ठेकुआ बनके रेडी है, बट हम अभी इसे टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूजा में जाएगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने आपको आज इस वीडियो में दिखा दिया। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हमारे घर पे पूजा कैसे होता है। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि हमारे घर पे ठेकुआ किस तरीके से बनाया जाता है। अभी मैं भाभी से मेहंदी भी लगवाऊंगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। एक और छोटी सी चीज़, यहाँ की डेकोरेशन मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई, मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ मैं अभी भाभी से मेहंदी लगवा रही हूँ। तो ये रही मेरी मेहंदी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।